नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई और एक एक्साइटिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi AirDots की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये Redmi AirDots, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से बाय किया है। यहाँ पे मैंने ये Redmi AirDots AliExpress से बाय किया है। ये मुझे डिलीवर होने में करीबन 15 to 20 days लग गए यहाँ पे, और पूरी बॉक्स यहाँ पे चाइनीज में लिखी हुई है, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे चाइनीज में है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया, मुझे यहाँ पे कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ा। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। यहाँ पे अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, मैग्नेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं ओपन एंड क्लोजिंग के लिड में। और दोस्तों प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, यहाँ पे 1500 रुपये की प्राइसिंग आती है कन्वर्ट करके, 1500 रुपये से लेके 1800 रुपये की यहाँ पे प्राइसिंग आती है कन्वर्जन करने के बाद। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस प्राइस टू बिल्ड क्वालिटी के रेशियो की, तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सा चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे, इसका जो लिड है वो उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ ईयरबड्स की, यहाँ पे ईयरबड्स के प्लास्टिक की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे टच कंट्रोल्स हमें देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे बटन्स देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे हैं और बहुत ही क्लिकी है। बट यहाँ पे बटन के होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बटन के कारण यहाँ पे आप जब भी दबाने की कोशिश करते हैं ईयरबड्स को, तो यहाँ पे दोस्तों आपके कानों में चुभता है ये ईयरबड, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कानों में दुख सकता है यहाँ पे। दोस्तों ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मैं 8.5 out of 10 देना चाहूँगा ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे Redmi AirDots को। दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे साउंड क्वालिटी में मुझे थोड़ा बेस की कमी महसूस हुई। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेबल्स या फिर वोकल्स की, तो यहाँ पे वोकल्स और ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑन द पॉइंट है, और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बैलेंस्ड साउंड क्वालिटी है। बेस थोड़ी सी कम है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके कंट्रोल्स एंड फीचर्स की तरफ, यहाँ पे कंट्रोल में हमें बटन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बटन्स है दोनों भी ईयरबड में। तो दोस्तों आप जब भी इन बटन्स को टैप करते हैं या फिर दबाते हैं तो ये आपके कानों में चुभते हैं, क्योंकि आपको बटन्स को टैप करने में थोड़े फोर्स लगाना पड़ता है यहाँ पे। उसके कारण जो आपका ईयरबड है वो आपके कानों के अंदर और पुश हो जाता है, और उसके कारण आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन महसूस हो सकता है कानों में। और दोस्तों अगर बात करूं कुछ अलग फीचर्स की या फिर स्पेशल फीचर्स की, यहाँ पे हमें कोई भी स्पेशल फीचर्स देखने को नहीं मिलता, ना ही हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, और ना ही हमको यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, ये ईयरबड्स कनेक्ट हो जाते हैं जैसे ही आप इनको निकालते हैं, आप इनके बॉक्स में से जैसे आपने निकाला वैसे ही ये कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत। बट यहाँ पे मुझे ये कमी महसूस हुई कि यहाँ पे लिड ओपन करने के बाद ये कनेक्ट नहीं होते, और दोस्तों इसमें कोई भी फीचर्स नहीं देखने को मिलता, जैसे कि टच कंट्रोल्स तो है ही नहीं, और प्लस यहाँ पे हमें ऑन एंड प्ले एंड पॉज भी नहीं देखने को मिलता, ऑटोमेटिक प्ले एंड पॉज जो Realme Buds में हमें देखने को मिले थे। हालांकि दोस्तों Realme Buds यहाँ पे 4000 रुपये के हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपये में ये नहीं देखने को मिला, उसका भी यहाँ पे कोई दुख नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे एक फीचर दे देना चाहिए था उनको कि फास्ट चार्जिंग अनेबल करके देना चाहिए था, और प्लस यहाँ पे हमें USB टाइप सी भी दे देना चाहिए था। यहाँ पे हमें माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है, वो एक बहुत ही बड़ा कॉन है यहाँ पे। आजकल हम USB माइक्रो USB से यहाँ पे USB टाइप सी में शिफ्ट हो रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमें Redmi वालों ने माइक्रो USB दे दिया है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये Redmi AirDots अभी भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक और एक वेबसाइट है या फिर और एक ऐप है जहाँ पे आप ऑफिशियली Xiaomi से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, Xiaomi चाइना से, और वो अपना खुद का सर्विस यहाँ पे यूज करेंगे आपको सेंड करने में। वो ऐप का नाम है यहाँ पे शेयर सेफ, यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप यह ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स मंगाने हैं Xiaomi के इंडिया में, तो आप दोस्तों इस ऐप को यूज करके मंगवा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये AirDots इंडिया में लॉन्च होंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ देखने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जिंग भी शायद देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे हमें USB टाइप सी भी देखने को मिलने वाला है, और इंस्टेंट कनेक्टिव वाला फीचर भी शायद हमें देखने को मिलने वाला है इंडिया वाले वेरियंट में। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, आप स्टे ट्यून कीजिएगा हमारे चैनल पे। अगर जब भी ये ईयरबड्स इंडिया में लॉन्च होते हैं, वैसे मैं आपको इंडियन रिटेल यूनिट का यहाँ पे मैं आपको अच्छे से अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे देने वाला हूँ।
दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, यहाँ पे बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 500 mAh का यहाँ पे हमें बैटरी देखने को मिलता है, बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है इस केस में। और ईच ईयरबड में यहाँ पे 40 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी बैटरी क्वालिटी है यहाँ पे, अच्छी बैटरी बैकअप भी देता है यहाँ पे। और रेडमी के फ़ोन्स के साथ मैंने यहाँ पे देखा है कि रेडमी के फ़ोन्स के साथ यहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे MI के फ़ोन्स के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये चलता है यहाँ पे। दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस प्रोडक्ट का, रेडमी एयरडॉट्स का। तो दोस्तों इसमें कुछ हालांकि बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही चीप TWS है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा TWS है यहाँ पे, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है। 1500 रुपये में बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, हालांकि बेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे अच्छी खासी क्वालिटी और रेडमी की विश्वास और रेडमी की पॉपुलैरिटी के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब भी ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा तभी हमारे यहाँ पे इंडियन रिटेल यूनिट का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।